मयूरेश, तो ये लॉकडाउन के सितारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन अब यहां से कौन सी थीम्स हैं, कौन से पॉकेट्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर विलियम ओनील इस समय बेट कर रहा है, इक्का दुक्का नाम जो खास तौर पे आपके फोकल एरियाज वाले पॉकेट्स हैं? आफ्टरनून आशीष जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपने एक कॉन्सेप्ट आज निकाला है, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा और अगर इस पे मूवी निकली तो आप इसको पेटेंट कर लीजिए, क्योंकि डेविड धवन साहब एक पिक्चर जरूर निकालेंगे कैदी नंबर वन का। दूसरी बात, आई थिंक जो आप पॉकेट्स की बात बिल्कुल ठीक है सर, पेटेंट कर दिया जाएगा। दूसरी, आई थिंक जो आप पॉकेट्स की बात कर रहे हैं, हमें लगता है आई थिंक जो एक पैंडेमिक का कर्व है और जो एक अर्निंग्स की हिट आएगी फार्मा और कुछ हद तक एफएमसीजी क्षेत्र, आई थिंक अर्निंग्स पहले ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर के लिए आई थिंक थोड़ी स्टेबिलिटी और रेजिलियंस बताएगा मार्केट्स में। इसलिए अगले 2 से 3 महीने की अगर प्रैक्टिकल प्ले ले तो फार्मा जो ट्रेंडिंग सेक्टर है, कंसेंसस है, एफएमसीजी है, तो इसमें थोड़ा एक दाव लगाना चाहिए। एंड वंस द क्वार्टर वन नंबर्स आर ओवर, ये एक तिमाही खत्म होने के बाद आई थिंक जो हाई बीटा कोरिलेशन है उसमें आप दाव लगा सकते हैं। तो इन दिस पीरियड मुझे लगता है आई थिंक स्पेसिफिक फार्मा, स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेसिफिक एफएमसीजी आप देख सकते हैं। एल्केम, सिप्ला, वो सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जो एक ब्रॉडर यूनिवर्स के स्टॉक्स है जो हमारे बाय वॉचलिस्ट पे है, अतुल लिमिटेड जैसे, कुछ हद तक आई थिंक दीपक नाइट्रेट की आप बात कर सकते हैं, लेकिन हम पुल बैक की राह देखेंगे। और एफएमसीजी में आई थिंक एचयूएल, तो आई थिंक ये थोड़े स्टॉक्स आप नजर में रख सकते हैं। महेश, अगला स्टॉक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब पिटाई हो रही थी तो मन कर रहा था ले लेना चाहिए ले लेना चाहिए, पर हिम्मत नहीं हो रही थी, वो है एचईजी का काउंटर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी। बहुत पिटाई, ये स्टॉक खैर चला भी खैर गजब का मोमेंटम दिखाया था, उस उम्मीद में हम लोग सोचते रहते थे गिरावट में लेना है नहीं लेना, लेकिन अब प्रदर्शन तो अच्छा है। बहुत पिटने के बाद 24 मार्च की क्लोजिंग हुई थी 419 रुपए, वहां से ये स्टॉक डबल से ज्यादा हो चुका है, 111% के रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं स्टॉक ने, हालांकि साल के हाईज 1900 के, और एक दो साल पहले तो आपको याद होगा ये स्टॉक वो था जो ऑलमोस्ट 5000 के स्तर छू रहा था, इस तरह की मैसिव री रेटिंग हुई थी। ये एचईजी आप ट्रैक करते हैं क्या, लेना है क्या अभी भी, इस होप में कि दुनिया में कमोडिटी के हालात सुधरेंगे, एचईजी जैसे स्टॉक्स वापस लाइमलाइट में आएंगे? नहीं आशीष जी, आई थिंक थोड़ा एक सेंटिमेंटल और एक मोमेंटम प्ले है एचईजी जैसे स्टॉक्स में। आई थिंक दो मेन वजह बताता हूँ आपको, आई थिंक जो ग्राफिट इलेक्ट्रोड्स की हम बात करते हैं, एक सब्सिट्यूट करके एक बहुत बढ़िया प्ले चला था और राइटफुली चला भी था, क्योंकि आई थिंक जो सब्सिट्यूट इन्होंने लाए थे इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स या कुछ क्वार्टर्स पे थे वो चले थे, बट अभी जो नीडल कोक है, इनकी जो इनपुट कॉस्ट है ये थोड़ी महंगी हो गई है और इनके जो सप्लायर्स हैं आई थिंक अभी भी कंस्ट्रेंड मात्रा में है। दूसरा, इनके प्लांट्स के जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है ये कम होते जा रहे हैं अराउंड 60-70% जिसके वजह से इबिट्टा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। इसलिए मोमेंटम के लिए मानता हूँ, स्ट्रक्चरल स्टोरी आने में अभी भी टाइम लगेगा फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। तो मोमेंटम प्ले अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी देख लिया है मैंने, डबल हो गया ये स्टॉक, अभी अवॉइड कैटेगरी में रखूं, है ना? यस, ठीक बात, ठीक बात। अच्छा मयूरेश, फार्मास्यूटिकल की बात हुई और ऑब्वियस है इस रैली में, इस आउट परफॉर्मेंस में जो कैदी नंबर वन है, जो लॉकडाउन के सितारे हैं, वो ज्यादातर तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं, तो कई सारे तो मैंने जानबूझ के स्टॉक शो में नहीं लिए, इधर फार्मा स्पेसिफिक शो हो जाता। अगला स्टॉक लेकिन एक और इंटरेस्टिंग है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का। अब ये स्टॉक भी बहुत पिटा है ग्लेनमार्क, और मेरे ख्याल से जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब 190 रुपए का भाव था और ये स्टॉक वहां से 90% के तगड़े रिटर्न्स, और ऑफ लेट तो पिछले कुछ दिनों में आपने सीनबीसी आवाज पे जब से वो स्टॉक डिस्कस हो रहा है और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई है खबरों के बीच में, तो 90% के लॉकडाउन के एक महीने में स्टॉक के रिटर्न्स आते हुए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स मयूरेश, क्योंकि आपकी प्रिफर्ड स्पेस से सबसे फार्मास्यूटिकल अब यहां से जब बाजार में और तेजी देखने को मिलेगी, क्या ग्लेनमार्क फीचर करेगा उस प्रिफर्ड बेट्स में? आशीष जी बिल्कुल, आई थिंक जो सीएनबीसी आवाज पे, आई थिंक जो ग्लेनमार्क पे, आई थिंक एक तगड़ा रिसर्च चला था, कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टॉक की मूवमेंट आई है जो इन्वेस्टर्स के पास है उनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। आई थिंक जो इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन आई थिंक मोनेटाइज कर सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में, ये काफी तगड़ा रिटर्न लाके देगी। दूसरा, आई थिंक इनकी जो डेट डीलेवरेजिंग की बातें चल रही है अगले कुछ क्वार्टर्स में, आई थिंक जैसे ये शेप लेगी तो मुझे लगता है बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वहां पे जोरदार एक मोमेंटम पकड़ेगा, तो बिल्कुल आई थिंक एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहा है स्टॉक में, तो जिस इन्वेस्टर के पास है उनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक। अच्छा, अगली कंपनी है एक और, ये आईएफबी इंडस्ट्रीज, और आईएफबी सबसे ज्यादा जानी जाती है अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए, खैर वाइट गुड मैन्युफैक्चरर ये कंपनी, और
पिटा बहुत, 900 रुपए के साल के आईस थे और गिरते ही चला गया था जब ये लॉकडाउन की खबरें आई थी, उससे पहले से वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। लेकिन 24 मार्च को ये स्टॉक था 260 पे और वहां से 65% के रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी दे चुकी है और अभी भी तगड़ा ऑफ हाइज ही ट्रेड करती हुई आपको नजर आएगी। मयूरेश क्या करना चाहिए, आईएफबी इंडस्ट्रीज कैसी लगती है ये व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर? आई थिंक कंपनी बहुत सॉलिड है आशीष जी, बट मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़े रिजल्ट्स का ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो एक बेस्ट पीरियड था आई थिंक लॉकडाउन में तकलीफें आई थिंक जरूर दिखेंगी नंबर्स के ऊपर। दूसरा आई थिंक जो एक इनहेरेंट पेंट अप डिमांड होगा वो किस हिसाब से आई थिंक बढ़ के आएगा वापस ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा मैनेजमेंट के कॉमेंट्री से सुन के। ऑल्टरनेटिवली आई थिंक आशीष जी मैं देखना चाहता हूँ आई थिंक जो इनकी आउटसोर्सिंग कंपोनेंट्स होती है आई थिंक वॉशिंग मशीन हो, LEDs हो, मोबाइल फोन्स हो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे एक बार ध्यान देना चाहिए क्योंकि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और बैलेंस शीट डायनेमिक्स ODM और OEM से दोनों तरीके से अच्छा है। तो IFB के लिए रिजल्ट्स की ध्यान रखें, एट द सेम टाइम आई थिंक बाय वॉच लिस्ट पे डिक्सन इंडस्ट्रीज को रखनी चाहिए। या तो सिप्ला के लिए मैं मयूरेश के पास जाता हूं क्योंकि मयूरेश ने एक दिन चैनल पर डिटेल में चर्चा भी करी थी। तो मयूरेश सिप्ला 60% ऊपर उछला है लॉकडाउन के एक महीने में, 377 रुपए था उस समय और आज देखिए किस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। सिप्ला कई सारी ब्रोकरेजेस भी आजकल हाईलाइट कर रही हैं, क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, सेल्स पे भी खरीद डालूं क्या? जैसे सेठी सब बता रहे हैं आशीष जी, आई थिंक थोड़ा पुलबैक की राह देखनी चाहिए बट बिल्कुल आई थिंक खरीदी का मौका रहना चाहिए सिप्ला में क्योंकि इनकी जो अप्रूवल मिली है ये एंड ऑफ द ईयर मिलनी थी प्रोविटेल के लिए, ये आ गई एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इसलिए जो अर्निंग्स के एस्टिमेट्स हैं ये 5-6% बढ़ गए हैं। दूसरा इनकी जो आई थिंक इंस्टीट्यूशनल पाइपलाइन है प्राइमडॉल और दूसरे अन्य ड्रग्स आई थिंक ये स्पेशलिटी पाइपलाइन इसको पकड़ के रखेगी। तीसरा आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड है ये 0.5 से थोड़ी बढ़ सकती है अगले वित्त वर्ष में बिकॉज कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे। तो बिल्कुल आई थिंक ये स्टॉक के मैं पॉजिटिव रहूंगा, थोड़ी पुल बैक की राह दे और ये स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं।